सो हाय गाइस, दिस इज जय एंड फाइनली आज जेई के तीन स्टूडेंट मुझे मिले जो अभी अभी अपना जेई का एग्जाम दे के आए। आज जो है 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट इन्होंने दिया है, तो पहले पूछते हैं। ठीक है, तो निखिल कैसा था पेपर तुम्हारा अगर देखा जाए? पेपर तो बहुत अच्छा था। अच्छा, पेपर अच्छा था। तुमने जनवरी अटैम्प्ट दिया था? नहीं, जनवरी तो नहीं दिया। अच्छा, तो ये तुम पहला अटैम्प्ट दे रहे थे? हाँ। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हो पूरे पेपर में? 32 के अप्रॉक्स। वेरी गुड। चलो देव से भी जान लेते हैं, ये देव है अपने। पेपर वाला मॉडरेट था। अच्छा, तो देव आपने जनवरी अटैम्प्ट भी दिया, राइट? यस सर। जनवरी अटैम्प्ट के कंपैरिजन में ये वाला अटैम्प्ट कैसा था? ये मेरी प्रिपरेशन इसमें अच्छी थी, इसलिए मेरे लिए अब ये आसान गया है। ये थोड़ा आसान गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट लिए हैं आपने पूरे पेपर में? 50। अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो सबसे इजी क्या था पूरे पेपर में? केमिस्ट्री या फिजिक्स? फिजिक्स वाज इजी। तो ये एक ऐसा शिफ्ट है जहाँ पे फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, या आपको लगा या ऐसा इजी था ही? इजी था ही। अच्छा, कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क थे? ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड। तो अगर कोई बच्चा एक दो दिन में रिवाइज करके देना चाहता है तो वो सिर्फ फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेगा तो वो काफ़ी क्वेश्चन एप्लीकेशंस वगैरह, राइट? अगर केमिस्ट्री को तुम बताओगे तो कैसा बताओगे? थोड़ा सा मॉडरेट साइड में था, मॉडरेट साइड है, लेकिन अच्छा, जिसने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रखी होगी इसलिए इजी होगा। जिसने एनसीईआरटी पूरी कर रखी होगी वो कर पाएगा। अच्छा, और जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, जैसे तुमने कोचिंग वगैरह ली हुई है, राइट? तो हेल्प मिल गई वहाँ से? कुछ हेल्प मिला था? ओके, ठीक है। और अगर मैथ्स देखा जाए तो अभी तक टफेस्ट रहा है। मैंने जितने बच्चों का रिव्यू लिया सबने ये बोला कि मैथ या तो लेंदी था या टफ था। ठीक है, दोनों साइड में था। तुम्हारे हिसाब से मैथ कैसा गया? मैथ मेरा थोड़ा सही है, इसलिए मेरे को लेंथ ही लगा, टफ इतना नहीं लगा। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट लिया पेपर में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन मैथ। बहुत ही बढ़िया। तो ये स्ट्रैटेजी थी क्योंकि सबसे अच्छी तुम्हारी फिजिक्स लगी। फिजिक्स तुमने सारा अटेम्प्ट लिया, स्कोरिंग होगी फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और मैथ्स में क्योंकि लेंदी था तो छूटेगा भी तो फिर एंड पार्ट में। चलो, कैसा था तुम्हारा पेपर दोस्त? सर पेपर तो मेरे लिए मतलब फर्स्ट बार दे रहा हूँ मैं, सेकंड अटेम्प्ट, तो अच्छा, इसलिए मेरे लिए मॉडरेट ही था। तुम्हारे लिए मॉडरेट था। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट लिया पेपर में? अटेम्प्ट में मैंने पहले किया था केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद मैंने किया फिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स किया। अच्छा, ये सेंटर जो अपना TCS आयोन जोन था, राइट? तो अंदर कोई डिफिकल्टी आई तुम्हें पेपर वगैरह में? क्योंकि पूरा पेपर अब ऑनलाइन हो चुका है, लाइक मेरे टाइम पे पूरा पेपर जेई का जो था पेपर पेन बेस्ड होता था, अब पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो अब तुम जब ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हो तो सिस्टम की वजह से कोई इश्यूज फेस कर रहे थे? सिस्टम के वजह से कोई इश्यूज तो फेस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो कीबोर्ड रहता है उनका उतना बढ़िया था नहीं। अब मैं कर रहा हूँ 0 पे क्लिक, कभी लॉक लग जा रहा है, कभी कीबोर्ड खराब था, मतलब कुछ समहाउ डिफिकल्टीज आपको टेक्निकल इश्यूज थोड़े से मिलते हैं, बाकी सारे सिस्टम खराब नहीं थे। हमारा डबल क्लिक हो रहा था, मतलब सिंगल क्लिक पे भी, तो कुछ कुछ आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। और क्या सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम? ये तो मुझे पता नहीं है, मैंने किया नहीं है, बाकी मैं, मेरे को कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पता है तो मैं मैनेज कर ले रहा हूं। मैनेज क्योंकि तुम जानते हो चीजों को, राइट? जो बच्चे हैं ना पहली बार कंप्यूटर छूते हैं, आज तो मैंने बहुतों को देखा भी, उनको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, उनको लॉक खोलना नहीं आ रहा अपने पासवर्ड से, तो मैं बता रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा खुलेगा। अच्छा, पता था तो मैंने कोई क्वेश्चन तुम लोगों को लगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है किसी टॉपिक से जो तुमने नहीं पढ़ा हो जेई में, ऐसा दिखा तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सारे सिलेबस सही थे। और जो कोचिंग वगैरह वाले करवाते हैं DPPs वगैरह, उनका कुछ फायदा मिलता है? फायदा टेस्ट सीरीज वगैरह देने का फायदा, दो चार क्वेश्चन केमिस्ट्री से बुक से ऐसे उठ के आते हैं ऐसे एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा। क्या किस चीज, तो जो भी बच्चा अगर रिवीजन करे, कई बच्चे ऐसे जो बस बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, राइट? तो अगर बोर्ड की तैयारी करते करते भी अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली आप कुछ तो स्कोर कर लोगे जी, है ना? बोर्ड्स की तैयारी करी थी तभी। तुम लोगों ने बोर्ड की तैयारी मोस्टली की थी, है ना? देव ने थोड़ी सी जेई की तैयारी की थी, देव शुरुआत से लगे थे हमारे दोस्त हैं। हाँ, तो उन्होंने थोड़ी सी जेई की तैयारी की थी, तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, है ना? ठीक है। मेरा चैनल है यार करियर कनेक्ट सर्विसेज, आप जाके देख सकते हो, है ना, जहाँ पे बहुत सारी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। श्योर सर। जब से मैंने जेई में जेई का एग्जाम दिया उसके बाद से मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, 2016 से हमारे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, है ना? थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।